1914 में बाल गंगाधर तिलक, बीजे तिलक वापस आते हैं एनी इंडिया में, और एनी बेसेंट जो है कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके होते हैं, मतलब लेडीज थी, मेरी लेडी थी, ये आयरलैंड की थी और इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1914 में। और 1916 में क्या हुआ कि होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट हो गई, होम रूल लीग मूवमेंट, इसको होम रूल लीग भी बोलते हैं और होम रूल मूवमेंट भी बोलते हैं, ये स्टार्ट की थी एनी बेसेंट और तिलक ने। तो याद रखना है किसने स्टार्ट की, एनी बेसेंट और तिलक ने, कब की, 1916 में। नेक्स्ट आपका ये जब तक ये इनका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है गांधी जी की एंट्री होती है, इसके बाद जितना भी पढ़ना है हमें गांधी जी पे फोकस करना, उनकी मूवमेंट, उन्होंने क्या किया, क्या है सब, वही इम्पॉर्टेंट है। 1915 में एंट्री है बाहुबली मिस्टर महात्मा गांधी, ठीक है, ये मैंने बोला भी कि आपका जो है इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ये वाला एरा जो है फिर ख़त्म हो जाता है, इसके बाद गांधी नेरा स्टार्ट होता है 1915 से लेकर 1947, जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हमें यही पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस मिल जाती तब तक यही पढ़ेंगे, गांधी जी के जो भी कारनामे सारे पढ़ेंगे, मतलब अच्छे अच्छे कारनामे। ओके नाउ 1915 एंट्री ऑफ गांधी जी, फ्रॉम कहाँ थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आते ही इन्होंने गुजरात में एंट्री की और बनाया, क्या बनाया उन्होंने, साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम। तो ये याद होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में जो आश्रम था गांधी जी का फार्म था उसका नाम टॉलस्टॉय, लिए टॉलस्टॉय, ठीक है, उसका नाम था टॉलस्टॉय, वो साउथ अफ्रीका में थे। इंडिया में आते ही उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया, कहाँ बनाया, गुजरात में, ठीक है। इसके बाद आपका 1916 में क्या होता है, गांधी जी अब आ गए हैं तो गांधी जी कुछ ना कुछ क्या करेंगे, बहुत अच्छे काम करेंगे। लखनऊ में एक मीटिंग हुई इनकी सबकी, जिसमें कांग्रेस भी आए, मुस्लिम लीग वाले भी आए, आपको मैंने बताना भूल गया, मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1906 में हुई और ढाका में हुई, बांग्लादेश में हुई, ठीक है, वो याद रखना। अब INC जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड जो ये अभी पढ़ा हमने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, जो अलग हो गए थे सूर्य स्प्लिट 1907 में, ठीक है, ये जो है इसमें जुड़ जाते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड हो जाते हैं, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि लखनऊ पैक्ट क्या है, लखनऊ पैक्ट में क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया था 1909 वाले एक्ट में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर दिया मुस्लिम लीग के लिए, और इसी के लिए मुस्लिम लीग जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो ये लखनऊ पैक्ट बोलते कभी क्वेश्चन आता है कि बट इज लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ ये पता होना चाहिए, सूरत स्प्लिट कब हुई 1907 में, ठीक है, और लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ क्या है, उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी यूनाइट हो गए। इसी दौरान में जो मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है, उसको सरोजनी नायडू ने प्रॉफिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला था, तो पता होना चाहिए कि प्रॉफिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी मोहम्मद अली जिन्ना को किसने बोला, सरोजनी नायडू ने। ओके नेक्स्ट आता है गांधी जी, गांधी जी ने पहला जो सत्याग्रह स्टार्ट किया 1917 में, याद रखना 1917 में कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जगह कहाँ पे, बिहार में, ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए ये चार, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी के ये वाले इंपॉर्टेंट, पहला ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में किसने स्टार्ट किया गांधी जी ने बिहार में, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह की, KHEDA खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, पता होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो क्रोनोलॉजी में समझ आनी चाहिए, पहले ये हुआ उसके बाद ये उसके बाद ये, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में एक्ट लाया था जिसका नाम था रॉबर्ट एक्ट, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट जो है गांधी जी ने स्ट्राइक कर दी, इसको बोलते हैं रॉबर्ट सत्याग्रह। ओके इसके बाद क्या हुआ, इसी दौरान में तुम्हारा 1919 में जलियांवाला बाग मसीखा हो जाता है, जलियांवाला बाग मतलब अमृतसर में जलियांवाला बाग में मसीखा होता है, जनरल डायर जो है, जो लोग असेंबली इकट्ठी होती हैं कहाँ, जो गोल्डन टेम्पल है उसके पास में जलियांवाला बाग है, वहाँ पे लोग बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को इकट्ठे होते हैं
1919 में, और उसी दौरान में जनरल डायर जो है वो ऑर्डर करते हैं आर्मी को जो उनकी थी, और फायरिंग होती है और जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती है। तो उसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मसीकर, जो कि अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल के आसपास। ओके, तो ये वाली जो दुर्घटना होती है 1919 वाली, ये गांधी जी को पसंद नहीं आती है, ठीक है। और इससे पहले भी आपको पता ही है गांधी जी ने क्या क्या किया, ये पता होना चाहिए आपको। एक चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद सत्याग्रह सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और रावल टैक्ट। रावल टैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था, और इसमें ये था कि किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। तो अरेस्ट करना विदाउट वारंट, तो उसी में कुछ लोगों को पकड़ लिया था, जैसे सत्यपाल थे और एक और लीडर थे, उनको पकड़ लिया था। उसी के चक्कर में इंडियन जो थे वो इकट्ठे हुए थे उसके लिए, उसी की डिमांड कर रहे थे, उनको छोड़ने की डिमांड कर रहे थे, बट हुआ नहीं ऐसा। और 1919 में फिर आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इसको बोलते हैं माउंटेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1919 वाले एक्ट को दूसरा नाम क्या है, माउंटेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके प्रोविजंस पढ़ लेने कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसी एक्ट में बोला गया था कि हम 10 ईयर्स के बाद आएंगे क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई रिफॉर्म करनी है, रिव्यू करना है, चेंजिंग लगानी है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है एक्चुअल में, ये कि गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश थी वो जो रूल कर रही थी उसके लिए कि आपको 10 साल के बाद आएंगे, एक स्टैचुटरी बॉडी बनाएंगे, स्टैचुटरी कमीशन, और वो रिव्यू करेगा कि आपकी जो इंडिया में डेवलपमेंट कैसी चल रही है, अगर चेंज लानी तो लानी है। तो 1919 वाले एक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद 1920 में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई है, ठीक है। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत एक्चुअल में क्या है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, कब तक चली है, ये पहले याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए। 1920 में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई और 1920 से 1922 तक चली है, ठीक है। कब से, 1920 से लेके 22 तक ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली है। और फिर बरदोली में, बरदोली जगह का नाम है, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेशन किया और एंड किया नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922 में। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है कि यहाँ पे कुछ इंडियन थे वो इकट्ठे हुए, प्रोटेस्ट हो रहा था, और उसमें 22 से 23 पुलिसमैन ऑफ ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने मतलब जो इंडियन थे इन्होंने उनको थाना ही जला दिया उनका, और वो बंदे भी मार दिए उनके, आर्मी वाले जला दिया, मतलब 23 के 23 जल गए वो, ठीक है। तो इसी इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने बोला भाई मैं तो वायलेंस चाहता ही नहीं हूँ, मेरे को तो नॉन वायलेंस चाहिए। तो इसी के चक्कर में गांधी जी ने उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब ये खिलाफत क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, सर्च कर देना गूगल पे, पता चल जाएगा। वैसे बता देता हूँ खिलाफत जो थी, चलो छोड़ो फिर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्रोनोलॉजी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद 1923 में क्या होता है, देखो इंडियन जो थे वो मूवमेंट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है। और गांधी जी आए, उन्होंने बंद कर दी स्ट्राइक। एक्चुअली गांधी जी ने स्ट्राइक क्यों बंद की, मूवमेंट क्यों बंद की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब हुआ कि वी विल नॉट कॉपरेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद इन्होंने इसको बंद कर दिया। तो मेन इसका है, ईयर आपको याद होना चाहिए, 1920 से लेके 1922 में चली है, ठीक है। और इसके बाद आपका, अब इसमें भी क्या होता है कि गांधी जी के जो प्रो बंदे थे, प्रो चेंजर और नो चेंजर, मतलब क्या, कुछ लोग बोले कि यार गांधी जी आप पागल हो यार, गांधी जी आपने ये क्या कर दिया, आपने तो हमें मूवमेंट चलानी चाहिए, हमने ब्रिटिश को खदेड़ देना था इंडिया से बाहर, ठीक है। और कुछ थे जो चेंजिंग नहीं चाहते थे, जो प्रो चेंजर थे उनने क्या कर दिया, और जो नो चेंजर तो गांधी जी के साथ ही रहे, जो प्रो चेंजर थे उनने बोला भाई हम अपनी पार्टी बनाएंगे, उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी। तो पता होना चाहिए स्वराज पार्टी कब बनी, 1923 में, ठीक है। किसने बनाई, प्रो चेंजर वालों ने, नो चेंजर कुछ नहीं। सी आर दास के प्रेसिडेंट बने, सी आर दास स्वराज पार्टी की, और मोतीलाल नेहरू जो था इसके सेक्रेटरी बने, ओके गॉट द पॉइंट।
नेक्स्ट 1927 से 30 के बीच में एक इंसिडेंट होता है, इवेंट होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन कहाँ से आता है? ब्रिटिश से। अब आपको पता है कि 1919 में भी बोला मैंने, 1919 में इन्होंने बोला था कि 10 साल के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो अब ये 1927 में क्यों आ गए, समझे? अब 1919 और 10 साल कितना हो गया, 1929। इनको 1929 में आना था लेकिन 2 साल पहले ही आ गए, समझ गए, 1927 में ही आ गए। तो द रीज़न, द लॉजिक बिहाइंड इज दैट कि वहाँ पे जो ब्रिटिश में है, वहाँ पे उनके इलेक्शन थे 1930 में, उसी के चक्कर में उन्होंने 1927 में लाए ताकि उनको हारना हो पड़े, मतलब हार जाएंगे वो। तो उनके माइंड में ये था, ब्रिटिश की जो पार्टी थी उसके टाइम, उस टाइम में साइमन कमीशन जो आया, ये आया 1927 में क्या करने के लिए, रिव्यू ऑफ 1919 वाला एक्ट के लिए, ठीक है। इट वॉज हेडेड बाई साइमन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज साइमन कमीशन। इट इज़ अ स्टैचुटरी कमीशन, ठीक है, स्टैचुटरी ओके। 1927 में बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको भेजेंगे, ठीक है। और बॉम्बे कब आया, इंडिया में ही आया 1928 में, फिर आया 1929 में। तो इंडिया में कितनी बार आया, ट्वाइस, दो बार आया, 1928 में और 1929 में। और इसने रिपोर्ट कब पब्लिश की, 1930 में। तो याद करना, 1927 में साइमन कमीशन बना, इंडिया में 1928 में आया और 29 में आया, तो दो बार आया इंडिया में। और इन्होंने रिपोर्ट जो पब्लिश की 1930 में कि हम क्या क्या रिफॉर्म्स जो है इंडिया में चाहते हैं, ओके। ये 1928 में जब केम टू बॉम्बे, ठीक है, तो यहाँ पे नारे लगे साइमन गो बैक। अभी उन्होंने नारे क्यों लगाए साइमन गो बैक, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। ये जो मेंबर थे इनके, जितने भी मेंबर थे जो बॉडी बनाई गई थी, इसमें एक भी बंदा नहीं था। एक तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना रहे हो, हमारी डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हो, इंडिया के लिए, तो इंडिया को वो बंदा नहीं था। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो इंडियन होंगे वो गुस्सा करेंगे और इसको रिजेक्ट करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने साइमन गो बैक किया। इसी दौरान में बर्कनहेड उनके जो थे SOS थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो इंडिया में भेजे थे, उन्होंने चैलेंज दे दिया इंडियन को कि अगर तुम्हें इतना ही दम है तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बना दो। उसी के चक्कर में नेहरू जो थे, नेहरू रिपोर्ट जो है वो आई, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। तो कब आई, 1928 में। तो याद होना चाहिए नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में। ये क्यों आई, क्योंकि ये बना रहे थे, रिव्यू कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का बनाने के लिए आए थे जो, तो रिव्यू करने के लिए, ठीक है। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, वो भी क्या हुआ, रिजेक्ट कर दी। किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए कि एक्चुअल में क्या, इनके खुद कन्फ्लिक्ट हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना बोलते मेरे 14 पॉइंट चाहिए, ये बोलता मेरी रिपोर्ट चलेगी, तो आपस में इनकी प्रॉब्लम होगी। इस दौरान में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उठे और सुभाष चंद्र बोस एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये दोनों उठे और लाहौर के सेशन में, याद रखना लाहौर के सेशन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाहौर के सेशन में पूर्ण स्वराज डिमांड कर दी। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का 1929 में, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हम 1930 में फ्लैग के साथ 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। किसने बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये डिमांड की, पूर्ण स्वराज डिमांड की, और इन्होंने ये बात बोली। लाहौर सेशन हुआ और 1929 में ही जो नेहरू रिपोर्ट थी इसको नल एंड वॉइड बोल दिया, और ना नेहरू की बात सुनी गई ना मोहम्मद अली जिन्ना की बात सुनी। उन्होंने रिपोर्ट को हिरद कर दिया, उन्होंने डिमांड कर दी पूर्ण स्वराज डिमांड, क्या हम कम्प्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए आपका कुछ भी, आप आके लॉलीपॉप दे जाती हो, ये नहीं चाहिए हमें, समझे। इसमें इवेंट कितने इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो 1919 जलियांवाला बाग में से कर, 1919 में मोंटेगी चंस वाटर रिफॉर्म्स, इसके प्रोविजन पढ़ने हैं सारे। 1920 में खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 से 1922 तक चली है, और चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद ये बंद होगी। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी जो बनी इनकी, 1927 से 30 तक ये पूरा पीरियड है मैंने बताया हुआ, इधर तक। तो ये जो इवेंट है इनके बीच में ये हुआ, साइमन कमीशन बना, साइमन कमीशन आया इंडिया में 28 में पहुंचा, 29 में फिर से आया, फिर 29 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज डिमांड कर दी, ओके, एट द पॉइंट, नेक्स्ट। अब इसी दौरान में क्या हुआ कि बात तो बनी नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो 1930 में रिपोर्ट दे दी साइमन कमीशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट में जाके, ब्रिटेन में जाके। तो उन्होंने बोला कि हम जनाब इनको जो है इंडियन है इनको बुलाओ इधर। उसको बोला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक टेबल और इसके आसपास सारे बंदे बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहाँ गई ये? इंडिया से ब्रिटिश में टूर लगाने के लिए, ठीक है, इंडिया से ब्रिटिश में। इंडिया से कहाँ गई? यूरोप में, यूरोप मतलब ब्रिटिश में, ब्रिटेन में। ब्रिटिश में जाके वहाँ पे जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। अब किसकी किसकी बीच में होगी, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया कि जो इंडियन है बात नहीं मान रहे हैं, इनको इधर इंग्लैंड में बुलाओ, इनको बुलाएंगे और मीटिंग करेंगे क्या क्या चाहिए। तो इसमें कितनी कॉन्फ्रेंस हुई? 3 कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 और 3। ये आपको पता होना चाहिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड कब हुई? 1931 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड कब हुई? 1932 में। अब गांधी जी ने पार्टिसिपेट सिर्फ इसमें किया और कांग्रेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। कब? कौन सी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में। बाकी ना फर्स्ट में गए और थर्ड में गए, ठीक पता होना चाहिए। गांधी जी और कांग्रेस ना फर्स्ट में गए और ना थर्ड में, गांधी जी और कांग्रेस गए सेकंड में। 1930 में क्या कर दिया गांधी जी ने? इसी के चक्कर में 1930 में डांडी मार्च स्टार्ट कर दी। डांडी मार्च मतलब इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते साल्ट सत्याग्रह या फिर सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट। सिविल डिसओबिडेंस मतलब होगा कि जो सिविल राइट्स हैं, सिविल जो लॉ हैं उनको नहीं मानेंगे हम, उसको डिसओबे करेंगे। तो एक्चुअली में क्या था कि साल्ट के लिए भी आपको क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता था। तो वो इंडियन थे, बोलते हम इंडियन हो के हम अपना साल्ट नहीं खा सकते। तो उसी के चक्कर में गांधी जी ने मार्च स्टार्ट की, जिसको बोलते हैं डांडी मार्च या फिर सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट, जो 1930 में स्टार्ट हुई। इसी दौरान में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जो कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई, इंग्लैंड में हुई, जहाँ पे गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं किए, वो इधर बिजी रहे इंडिया में ये मार्च करते करते। फिर 1931 में जब पता चला कि गांधी जी नहीं आए हैं 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी नहीं आए, तो ब्रिटेन ने बोला भाई गांधी जी को बुलाओ। फिर इस दौरान में इंडिया का जो वायसराय था वो इरवन थे, इरवन जो थे इंडिया के वायसराय थे। अब उन्होंने ब्रिटिश ने बोला कि भाई गांधी जी की सलाह करो, गांधी जी से सलाह करो कि क्या करना है। तो इसको बोलते हैं गांधी इरवन पैक्ट। क्या बोलते हैं? गांधी इरवन पैक्ट। अब इसमें गांधी इरवन पैक्ट में साइन हुआ, कुछ बातें बोली गई गांधी जी को कि आप सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट को बंद करो, आप आओ बात करें, हम बात करके मसले हल होते हैं, ये बात बोली उन्होंने। और इसी गांधी जी ने शर्त रखी कि हमें जो हमारे जो बंदे आपने जेल में रखे हैं सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट के दौरान में, उनको बाहर निकालो और फिर हम जाएंगे। इंटरनेशनल कांग्रेस ने ज्वाइन कर दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड और ये चलेगी इंग्लैंड में। लेकिन 1931 में ही जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड आपकी चली, लेकिन उसमें गांधी जी को क्या हुआ? गांधी जी के फेवर में कोई बात नहीं आई। तो गांधी जी ने बोला आई विल स्टार्ट अगेन सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट। फिर से स्टार्ट हुई गांधी जी की अगेन कैन नया और फिर से स्टार्ट कर दी सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट, जो कि 1934 तक चली। तो आपको पता होना चाहिए सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट कब से स्टार्ट हुई? 1930 से लेके 34 तक, ईयर याद होना चाहिए। और सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई इधर, ठीक है। तो इसका पीरियड रहा 1930 से 34 तक, ये पूरा ईयर याद होना चाहिए, ये मूवमेंट और ये वाला ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, ये ईयर याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 हुई, RTC थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। अब इसी दौरान में जी आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने जो है 3 की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो पता होना चाहिए कौन सा बंदा था जिसने तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। ही वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में पार्टिसिपेट किया। गांधी जी और कांग्रेस ने किस पे किया? सेकंड वाली पे, इस पे, ठीक है, 1931 में। बाकी में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि गांधी जी और इधर बिजी थे, उधर कोई बात नहीं बनी। जो लॉलीपॉप दे रहे थे वो उनको गांधी जी को पसंद नहीं आया। और जो B.R. अम्बेडकर जी थे वो लड़ाई लड़ रहे थे कास्ट की, वो लड़ रहे थे एक्चुअल में जो B.R. अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि जो डिप्रेस क्लास है, डिप्रेस क्लास जिनसे वो बिलोंग करते थे, कि उनकी जो हालत है इंडिया में बहुत ख़राब थी, तो उसके लिए लड़ रहे थे। और गांधी जी
क्या करते हैं नेक्स्ट। अब इस दौरान में क्या होता है, 1932 में जो लास्ट कॉन्फ्रेंस होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसमें बात होती है, बी आर अम्बेडकर जाते हैं ब्रिटिश इंग्लैंड में और वहाँ पे बात होती है उनसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वहाँ पे कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया जाता है। कॉमनवेल्थ अवार्ड हो गया मतलब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, किसको, डिप्रेस क्लास को। डिप्रेस क्लास मतलब जो कि जिस कास्ट से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलोंग करते थे, तो उसको बोला जाता था डिप्रेस क्लास। बाद में 1935 में एक्ट आया, उसको वर्ड को रिप्लेस कर दिया, डिप्रेस क्लास बोलते हैं, ये वर्ड अच्छा नहीं है डिप्रेस क्लास, उसकी जगह जो है आपका आ गया शेड्यूल कास्ट। तो ये वर्ड वहाँ पे जाके आपका रिप्लेस हुआ है, डिप्रेस क्लास टू शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट जो है 1935 में एक्ट में जो जाके चेंज हुआ है, तो याद रखना है तब इसको डिप्रेस क्लास बोलते थे, ठीक है। और पूना पैक्ट इसी दौरान में क्या हुआ, अब जब ये बात हुई कॉमनवेल्थ अवार्ड की, याद होना चाहिए कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 में क्या क्या हुआ। एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड हुई, दूसरा कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 में जिसमें आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, किसको, डिप्रेस क्लास को। और इसके बाद बी आर अम्बेडकर साहब आए इधर, कहाँ पे, इंडिया में। इस दौरान में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, मैंने बताया आपको कि 1930 से 34 तक, इस दौरान में अरेस्ट कर दिया था गांधी जी को, और गांधी जी को अरेस्ट कर दिया ब्रिटिश ने, और इसको इनको डाल दिया जेल में। अब इस दौरान में गांधी जी तो जेल में थे, अब 1932 में यहाँ से फिर वापस आए बी आर अम्बेडकर इंडिया में, और यहाँ पे पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट याद रखना कि पूना पैक्ट क्या है और कब हुआ, पूना पैक्ट हुआ 1932 में, किसके बीच में, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। अब इसमें बात क्या हुई कि गांधी जी ने बोला कि अम्बेडकर साहब आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेना है, आपको लेना है ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ज्वाइंट इलेक्टोरेट मीन्स कि जो इलेक्शन होगा उसमें सभी पार्टिसिपेट करेंगे, और वोट जो है एक इस पे कास्ट के हिसाब से वोट नहीं होगा, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे आपको बात करते हैं, तो वो भी नहीं है, मतलब कि रिजर्वेशन जो है आपको। फिर उन्होंने बोला कि गांधी जी ने बोला कि हम अगर आप ब्रिटिश आपको सीट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 50 सीट दे रहे हैं, तो आपको 50 की जगह हम 75 सीट्स दे देंगे, एग्जांपल लेकर, उन्होंने सीट्स का नंबर डिफरेंट है, ठीक है, वो देख लेना कितनी, वैसे पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ पेपर में पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ, 1932 में, और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ। और ये जुर्मबादा कुछ जेल है, कहाँ, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे थे गांधी जी, वहाँ पे उन्होंने साइन पैक्ट हुआ, उसको बोलते पूना पैक्ट, ठीक है। और इसके बाद इंसिडेंट क्या हुआ, 1933 में क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, ठीक है। 1930 से लेकर 32 क्या हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, आरटीसी सेकंड 1931, आरटीसी थर्ड 1932। 1930 में और क्या इंसिडेंट होते, दांडी मार्च जिसका दूसरा नाम साल्ट सत्याग्रह, जिसका नाम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, तीनों में से कहीं भी आएगा तो 1930 पे टिक करना। किसने स्टार्ट की, गांधी जी ने, ओके। इसी दौरान में इसके बाद क्या होता है कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, ये भी याद रखना, 32 में कॉमनवेल्थ अवार्ड होता है, पूना पैक्ट जो मैंने स्टोरी बताई हुई है। अब इसके बाद लॉलीपॉप जो है, सबसे बड़ा लॉलीपॉप जो आता है वो अभी इसके बाद आएगा, ठीक है। इसके बाद जो लॉलीपॉप आता है ये आपका 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, वो आपको याद करने, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या ब्रिटिश ने इंडिया को दिया, क्योंकि यही जो एक्ट है इसी से आपका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कुछ जो प्रोविजन है इसी से लिए हैं, इस वाले एक्ट से। इसमें प्रोविजन सारे याद करने हैं, गूगल करना सारे प्रोविजन, सिर्फ लिखना प्रोविजन ऑफ द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 7-8 लाइनें होंगी, वो सारी याद कर देनी, वही रट लेनी, वही एग्जाम में आती हैं। इसमें क्या है, डायरेक्टली इन सेंटर दे दी और फेडरेशन दे दिया, ठीक है, फेडरलिज्म जिसकी बात करते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो फेडरलिज्म जो है द ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। तो एक्चुअल में ये याद देख लेना कि कौन कौन से प्रोविजन दिए हैं। तो क्वेश्चन आएगा, विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली इन सेंटर्स, फेडरेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1938 में और 1939 में इलेक्शन होते हैं, किसके बेस पे, 1935 वाले एक्ट के ऊपर इंडिया में इलेक्शन होते हैं, और इसमें मुस्लिम लीग जो थी वो इलेक्शन को हार जाती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो विन हो जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है, ठीक है।
तो ये पीरियड वो याद रखना कि 1938 से लेके 39 तक पीरियड कौन सा है। ओके, अब इसी 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 दौरान में सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, किसके, कांग्रेस के। ठीक है, 1938 और 39 के बीच में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन जो गांधी जी ने जिन कैंडिडेट को खड़ा किया था वो हार जाते हैं। तो इसी के चक्कर में क्या है कि गांधी जी बोलते हैं कि ये मेरी हार है, ये वो, इमोशन ब्लैकमेल किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए रिज़ाइन कर दिया कि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, और राजेंद्र प्रसाद को बाद में प्रेसिडेंट बनाया। और सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक, किसमें, कांग्रेस में। और ये खुद कहाँ चले गए, जर्मनी में। आपको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुई थी वो आपकी 1939 से 1945 में हुई है। इस दौरान में वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो वर्ल्ड वॉर में चल रही है तो ये क्या, सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी चले जाते हैं। ठीक है, जर्मनी, और हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर से मिल के फिर बाद में वो इनको शिप देते हैं और ये चले जाते हैं आपके सिंगापुर में। सिंगापुर में जाते हैं और सिंगापुर में INA, इंडियन नेशनल आर्मी का, आज की डेट में जो आर्मी देखती है हमें इंडियन नेशनल आर्मी, ये इनकी देन है। इंडियन नेशनल आर्मी बनाती है, फिर ये ब्रिटिश से फिर लड़ेंगे। ठीक है, तो ये अलग से पेड़ है, ये इधर ही स्टोरी खत्म होगी। इंडियन नेशनल आर्मी बनेगी जो सिंगापुर में, और इंडिया में फिर वो है ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे। ठीक है, अब इंडिया में क्या हो रहा था, 1940 में अगस्त जफर आ गया। अगस्त जफर मतलब ये डोमिनेंट स्टेटस देते हैं हम इंडिया, इंडिया वालों हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देते हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला। लेकिन ये रिजेक्ट किया गांधी जी ने, गांधी जी ने बोला इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक, हम इसको नहीं लेंगे, इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह। और इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है था इसका मतलब ये था, याद रखना आपको अगस्त जफर कब आया, 1940 में, आपको इतना ही याद करना है। 1940 में और क्या हुआ इसके अगेंस्ट, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब ये था कि गांधी जी ने बंदे सेलेक्ट करेगा, लीडर सेलेक्ट करेगा, और पब्लिक प्लेस पे जाके ये बोलेंगे कि हम जो ये वार चल रही है वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 और 45 तक, इसमें हम ब्रिटिश का साथ नहीं दे रहे। और उसमें सबसे पहले जो ने गांधी जी एक एक बंदे को चुनेंगे और उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने। इसके बाद इस ये इंडियन ने किया, अब ब्रिटिश भी कुछ करेंगे। ब्रिटिश 1942 में आएंगे क्रिप्स मिशन लेके। अब ये क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन ने कुछ बोला कि हम आपको वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, ये वो बहुत सारी बातें की और लॉलीपॉप दिया। लेकिन इंडियन वाले थे, इंडियन माने नहीं भाई, अब चक्कर नहीं हो सकता। इसी के फेलियर के चक्कर में इधर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, भारत छोड़ो मूवमेंट स्टार्ट हुई 1942 में। और पता होना चाहिए कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुई, 1942 में। किसने स्टार्ट की, गांधी जी ने। ठीक है, और इसी दौरान में गांधी जी के ने नारा दिया था डू आर डाई। ठीक है, ये स्लोगन कब दिया था, डू आर डाई, गांधी जी ने 1942 में। इसमें ही थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो तो लंबी बन रही है। ठीक है, 1944 में राजा जी फार्मूला आता है, राजा जी मतलब सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है, उन्होंने राजा जी फार्मूला दिया था, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि ना इंडिया वाले मान रहे, ना मुस्लिम लीग मान रही, या इंडियन नेशनल कांग्रेस मान रहे, और इधर दंगे भी हो रहे हैं, ब्रिटिश भी मान नहीं रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न में थे। और उन्होंने बोला कि इंडिया को डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी है रिलीजन के बेस पे, यहाँ पे आपका पाकिस्तान बना दो और यहाँ पे ये वाला पाकिस्तान बना दो, यहाँ पे तो इसको बोला आपका इस पाकिस्तान और ये पाकिस्तान, ये उन्होंने राजजी फार्मूला दिया। इसके बाद 1945 में INA ट्रायल हुई, INA ट्रायल इंडियन नेशनल आर्मी की ट्रायल। ये जो बंदे जो मैंने अभी पहले बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आर्मी वाले बंदे भेजे थे, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से आए, और इनको पकड़ लिया उन्होंने ब्रिटिश वालों ने, तो उन्होंने उनकी ट्रायल चली, कहाँ चली, रेड फोर्ट में। ठीक है, रेड फोर्ट दिल्ली। तो ये पता होना चाहिए कि INA ट्रायल कब हुई, 1945 में, ये और ये इवेंट याद होना चाहिए। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में आया, और याद होना चाहिए 1946 में क्या आया, कैबिनेट मिशन। इन्होंने बोला कि इंडियन जाओ तुम्हें आज़ादी दी, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने डिमांड जो थी ये पाकिस्तान की डिमांड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी कैबिनेट मिशन में। उन्होंने सिर्फ बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, चाहे मुस्लिम लीग हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, कुछ भी, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ रह सकते हो। बट इसी के चक्कर में 1946 में इलेक्शन हुए, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई, मुस्लिम लीग को फिर हार हुई,
उसमें ह्यूमिलेशन हुई किसको, मोहम्मद अली जिना को। मोहम्मद अली जिना ने बोला भाई हम जाएंगे नहीं, असेंबली में नहीं बैठेंगे। तो असेंबली में नहीं बैठेंगे तो उनकी एक्चुअल में डिमांड थी मोहम्मद अली जिना की कि हम पाकिस्तान क्रिएट करेंगे, पाकिस्तान जाएंगे। तो उन्होंने वही किया और 1947 में उसके बाद क्या कैबिनेट मिशन के बाद 1947 में माउंट बैटन प्लान आता है। माउंट बैटन प्लान जो था वो ये था कि हम जो माउंट बैटन जो था वो प्लान जो था वो डिवाइड किया उन्होंने किसको, इंडिया को दो डोमिनेंट सिटीज़ में, डिवाइड इंडिया इनटू टू डोमिनेंट, एक तो इंडिया एक पाकिस्तान। इंडिया जो था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया। तो इसके बाद इन्होंने एक्ट आया 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया और देश को आज़ादी मिल गई, ठीक है। और आज की डेट में इंडिया जो है हमारा ये है, ये हमारा आ गया, ये पाकिस्तान वाला एरिया और ये पूरा इंडिया और ये बांग्लादेश, ठीक है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान बोला था उन्होंने, और ये पाकिस्तान, ठीक है। और ये वाला जो बांग्लादेश जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश, ये 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम में उन्होंने इंडिपेंडेंस दे दी और अलग से देश बना दिया बांग्लादेश, ओके। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो को लिए बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं, क्योंकि इसमें मैंने सब जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने कवर कर दी है। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पे करना, आई विल सेंड यू 7006231004 व्हाट्सएप करना और आई विल सेंड यू PDF, उस पर आपको सारा ये क्रोनोलॉजी मिल जाएगी। क्योंकि इसमें 5-7-8 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, UPSC हो, स्टेट PSC हो, JKSSB हो, किसी में 4-5 क्वेश्चन तो नॉर्मल आते हैं। और यही क्रोनोलॉजी, इसमें मेन इंपॉर्टेंट मेरा समझाना था कि क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर आपको क्रोनोलॉजी पता होगी तो आप कहीं से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें ईयर याद करना, ठीक है,